दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने लेखिका अरुंधति राय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत केस चलाने की मंजूरी दी। दोनों के खिलाफ साल 2010 में सुशील पंडित ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अरुंधति राय और हुसैन पर 21 अक्टूबर 2010 को दिल्ली के कॉपरनिक्स रोड पर मौजूद एलटीजी ऑडिटोरियम में आज़ादी द ओनली वे के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। सम्मेलन में कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रचार किया गया था। भाषण देने वालों में सैयद अली शाह गिलानी, एसएआर गिलानी, जो सम्मेलन के एंकर और संसद हमले के मामले में मुख्य आरोपी थे, अरुंधति राय, डॉक्टर शेख शौकत हुसैन और माओवादी समर्थक बरबर राव शामिल थे। 21 अक्टूबर 2010 को दिए भाषणों को लेकर कश्मीर के सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित ने 28 अक्टूबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद राय और हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अक्टूबर 2023 में दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने सीआरपीसी की धारा 196 और आईपीसी की विभिन्न धाराओं 153 ने, जिसमें धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर कई समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना होता है, 153 और 502 के तहत राय और हुसैन पर केस चलाने की अनुमति दी थी। साल 1997 में लेखिका अरुंधति रॉय की किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को बुकर प्राइज मिला था। ये उनका पहला उपन्यास था। इसे पाने वाली वो पहली भारतीय महिला हैं। नोबेल पुरस्कार के बाद बुकर प्राइज को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ये दुनिया भर में साहित्य जगत के प्रमुख पुरस्कारों में से एक है। साल 2014 में रॉय को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम 100 की सूची में शामिल किया गया था। अरुंधति लेखन की दुनिया में आने से पहले सिनेमा में भी काम कर चुकी हैं। फिल्मों में अभिनय के साथ ही उन्होंने स्क्रीन प्ले में भी लिखा। साल 1988 में उन्हें बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। अरुंधति रॉय के रिश्ते CPIM नेता प्रकाश करात से भी हैं।